नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर सरबजीत कौर के चुनाव को गैरकानूनी बता करने वाली एएपी की याचिका रद्द करते हुए फैसले में वोट की गिनती को अहम बात कही है। दरअसल एएपी ने सवाल उठाया था कि मेयर चुनाव में एक फटा वोट स्वीकार किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मेयर पोस्ट पर कुल 28 वोट पड़े और इनमें 27 अवैध करार हुए। एक वोट पर टिक का निशाना था, उसे रद्द किया गया था। अंजू कात्याल को 13 और सरबजीत कौर को 14 वोट मिले। ऐसे में सरबजीत कौर को विजयी बताया गया। अंजू कात्याल का कहना था कि एक वोट फटे और वह को करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फटे नोट का मुद्दा विमला देवी केस में देखने को मिलता है। उसमें कहा गया था कि ऐसा कोई एक्ट था, इलेक्शन रूल नहीं है कि वह टांड फटा हुआ नोट काउंट न गिना जाए, जो पूरी तरह से अलग नहीं है। वहीं जिस वोट को अवैध मानकर रद्द किया गया था, वह मुद्दा अरिकाला नरसा रेड्डी केस में डिस्कस हुआ था। उसमें श्रद्धा देवी केस का भी जिक्र हुआ था। वहीं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में भी बैलेट पेपर पर मार्किंग और राइटिंग को लेकर नियम तय है। निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी एएपी अंजू कात्याल 13 वोट, भाजपा की सरबजीत कौर 14 वोट से हारी थी। सीनियर डिप्टी मेयर पर एएपी की प्रेमलता 13 वोट, भाजपा के दलीप शर्मा 15 वोट से हारे थे और एएपी के रामचंद्र यादव 14, भाजपा के अनुप गुप्ता 14+1 से हारे थे। मेयर की पोस्ट पर कुल 28 वोट पड़े थे, जिनमें एक अवैध करार दिया गया था। सीनियर डिप्टी मेयर पोस्ट पर भी 28 वोट पड़े और सभी सही रहे। डिप्टी मेयर पोस्ट पर भी 28 वोट पड़े। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।